आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बॉलीवुड का सबसे दिलचस्प नजारा। बॉलीवुड में घुस आया है एक बदमाश बंदर। बंदर इतना खुराफाती है कि वो दीपिका पादुकोण का मोबाइल फोन ही ले उड़ा। और अक्षय जब बंदर से मोबाइल हासिल करने गए तो बंदर ने कर दी अक्षय की दुर्गत। बड़े काम का बंदर, बड़े काम का बंदर। दीपिका पादुकोण के पीछे पड़ गया है ये बंदर। देखिए बंदर कितना शैतान है, राह चलती दीपिका को कैसे कर रहा है परेशान। दीपिका अक्षय कुमार के साथ बाग में सैर के लिए निकली थी, लेकिन ये बंदर अक्षय की नाक के नीचे दीपिका को छेड़कर चलता बना और अक्षय कुछ नहीं कर पाए। तो बॉलीवुड की सबसे हसीन हीरोइन को छेड़ गया एक बंदर और खतरों का ये खिलाड़ी कुछ भी नहीं कर पाया। इस बंदर की बदमाशी जानते हैं क्या है? दीपिका के हाथ से ये ले उड़ा है उनका मोबाइल। लगता है ये बंदर किसी का भेजा हुआ जासूस है जो सीधे दीपिका का मोबाइल ही ले उड़ा। ऐसे में दीपिका का चीखना चिल्लाना लाजमी है। अरे भाई, दीपिका के सारे राज जो इस मोबाइल में कैद हैं। तभी तो दीपिका ने आओ देखा ना ताओ दौड़ा दिया अक्षय कुमार को बंदर के पीछे। दीपिका के प्यार में दीवाने अक्षय दौड़ पड़े बंदर के पीछे, ये भी नहीं सोचा कि क्या हालत होगी। अब देखिए ये बंदर क्या कर रहा है अक्षय का हाल। गए थे दीपिका का मोबाइल बंदर से वापस लेने, लेकिन पिट गए बंदर के हाथों। अक्षय कुमार बंदर से पिट तो गए और जैसे तैसे मोबाइल भी ले आए, लेकिन बंदर के हाथों पिटने का अक्षय को फायदा तो बहुत बड़ा हो गया। देखिए दीपिका को अक्षय ने इधर उनका मोबाइल लौटाया और उधर दीपिका ने उनके गालों पर जड़ दिया एक जोरदार चुम्मा। इस तरह बंदर की पिटाई से जो गाल गर्म हो गए थे, अब दीपिका के चुम्मे से गालों से धुआं ही निकल गया। वाकई अक्षय, दीपिका को छेड़ने वाला ये बंदर निकला तो बड़े काम का। बड़े काम का बंदर, बड़े काम का बंदर। मुंबई से रामचंद्र के साथ आज तक ब्यूरो। बड़े काम का बंदर। इतनी मौकों की जमीन।